अमृतसर च कल होने वाले सरबत खालसा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चौकस, हर आन जाण वाले ते रखी जा रही है नजर। बयान सिंह कतलकांड के मुजरिम बलवंत सिंह राजोआना ने कहा श्री अकाल तख्त साहब से ही बुलाया जाए सरबत खालसा, 10 नवंबर को सरबत खालसा बनाए जाण वालियां जथेबंदियां तो सुचेत रहने की की अपील। 10 नवंबर को अमृतसर के पिंड चब्बा में करवाया जाएगा सरबत खालसा, श्री अखंड पाठ साहब किए गए आरंभ। अकाली दल के मैंबर पार्लीमेंट चंदू माजरा ने सरबत खालसा बुलाने वाली जथेबंदी की मंशा से चुके सवाल। बंदी छोड़ दिवस मौके जथेदारी श्री अकाल तख्त साहब तो कौम के नाँ से देंगे संदेश, वक् वक् सिख जथेबंदियों वालों की जा रही थी कि श्री हरिमंदर साहब के हेड ग्रंथी ही संदेश दे। लुधियाना तो सामने आया धार्मिक ग्रंथ गीता और रामायण की बेअदबी का मामला, लुधियाना च चंदन नगर के नेड़े अमन नगर और ग्रीन पार्क तो सामने आया मामला। पंजाब च पिछले दिन हुए धर्मग्रंथ बेअदबी मामले च सीएम प्रकाश सिंह बादल ने की शांति बनाए रखने की अपील। 2 नवंबर को अकाली दल की बठिंडा में रैली, उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल का दावा रैली में 1 लाख का होगा इकट्ठ, नाल ही 1 लाख नौकरियां कटे जाने का भी किया ऐलान। चंडीगढ़ च भारतीय किसान यूनियन मान के वफद ने की राज्यपाल ने मुलाकात, पंजाब के हालात बारे हुई चर्चा, सौंपया मंग पत्र। कुरुक्षेत्र तो एमपी राजकुमार सैनी ने फिर तो दसिया जानू खतरा, रेवाड़ी च पिछड़ा वर्ग रैली कर रहे सन संबोधन, एक बार फिर तो किया रफ्वे करन नाल छेड़छाड़ ना होने का दावा। भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ हरियाणा सरकार हुई सख्त, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 65 सरकारी मुलाजम दोषी करार। 26 नवंबर तो शुरू होगा पार्लीमेंट का सरदरुत इजलास, 23 दिसंबर तक चलेगा, कई बिल किए जाएंगे पेश। जित तो बाद पटना च लालू प्रसाद के घर बधाई देने वालों की लगी भीड़, मिठाइयां दे बनन अते बंडन का सिलसिला जारी। बिहार च मिली हार तो बाद बीजेपी मुखी अमित शाह ने राम माधव के नाल RSS मुखी मोहन भागवत नाल की मुलाकात, संघ ने कहा वक्त देख के टिप्पणी नहीं करता संघ। नीतीश नूं जित दी वधाई देण गए बीजेपी के MP शत्रुघ्न सिन्हा, नीतीश के सवाल से कहा निजी रिश्ते नूं सियासत नाल ना जोड़ो। बिहार नतीजिया दा अकाली दल का वड्डा बयान, कहा नतीजिया नाल खेतरी दल होणगे मजबूत। जम्मू कश्मीर की सर्दियों की राजधानी च अज तो सकत्तरे च कामकाज होया शुरू, मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद ने लिया गार्ड ऑफ ऑनर। बिहार के नतीजे से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, लोकतंत्र में जनता का फैसला मंजूर, अकाली दल का दावा बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे का पंजाब में होने वाली चुनाव से नहीं पवेगा असर। हमीरपुर MP और BCCI सकत्तर अनुराग ठाकुर के खिलाफ क्रिकेट स्टेडियम च गैर कानूनी कब्जा मामले च इल्जाम तय होने से हिमाचल कांग्रेस ने लगाया बीजेपी से निशाना, अपने हित साधन लई सत्ता की दुरवरतों के लगाए इल्जाम। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय योजनाओं में अनुदान राशि बढ़ाने का लिया फैसला, सूबे को 600 करोड़ रुपए तक का सालाना फायदा होने की उम्मीद। वन रैंक वन पेंशन से रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, सुलझाया गया है VRS का मुद्दा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एनवायरमेंट चेंज नाल 2030 तक दुनिया का 10 करोड़ गरीब आबादी बेहद गरीब हो सकती है। SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र ने लॉन्च की SL आशा 2022 अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, 2022 तक 2 लाख घर मुहैया करवाने का टीचा। पूरे देश च धर्म धनतेरस दियां रौनकां, धनतेरस के मौके से SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र अग्रोहा धाम च अज शाम परिवार सने आरती च लैणगे हिस्सा। चंबा च तीसा के पहाड़ों से बर्फबारी, देवी कोठी और पांगी सने 1 दर्जन पहाड़ों से फिर हुई बर्फबारी।